हार्दिक के पेड हॉलीडे पर हो रहा है बड़ा हंगामा और सबके जहन में यही सवाल है कि आखिर कब खत्म होगा ये फिटनेस का ड्रामा। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं दुबई में दे दनादन। इन दिनों मुंबई इंडियंस और मुंबई इंडियंस के कुछ खिलाड़ी सवालों के घेरे में है, खासतौर से जिस तरह से मुंबई इंडियंस अपने पहले दो मैच हार गई और मैच हारने की बड़ी वजह न सिर्फ खिलाड़ियों का खराब प्रदर्शन था बल्कि वो खिलाड़ी भी हैं जो टीम में तो हैं लेकिन मैदान पर नहीं उतर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की। फेज टू के पहले दो मैच मुंबई इंडियंस हार गई और दोनों ही मैच में हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं थे। जब टीम मैनेजमेंट से ये सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना है कि वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं भारतीय टीम के लिए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय टीम में जाने के लिए वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है और मुंबई इंडियंस यहाँ मैच हारती रहे, ये किसी के बात गले के नीचे नहीं उतर रही। आज इसी मुद्दे पे आगे डिटेल में बातचीत करेंगे और शेन बॉर्ड ने जो कुछ कहा, जो बॉलिंग कोच हैं मुंबई इंडियंस के, उनकी बातों में क्या कुछ तर्क निकल कर सामने आ रहा है उस पर बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे चेन्नई और आरसीबी के बीच जो मुकाबला होना है उसमें कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी और एमपीएल फैंटेसी टीम में कौन कौन से खिलाड़ी जगह बनाने में कामयाब रहे वो लिस्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि दुबई में हार्दिक पांड्या मैदान के बाहर फोटो सेशन करा रहे हैं, वो अपने परिवार के साथ समय भी बिता रहे हैं लेकिन जैसे ही बात मैदान पर उतरने की आती है तो वो मैदान से गायब हो जाते हैं। क्या है बड़ी वजह, आप खुद ही देखिए और फैसला कीजिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आपने भी सुना वर्कलोड मैनेज करने की बात कर रहे हैं शेन बॉन्ड और सभा भाई हमारे साथ जुड़ गए, रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ गए। सभा भाई, कितना गले के नीचे ये बात उतर रही है कि वर्कलोड मैनेज करना है इसलिए वो हार्दिक पांड्या को नहीं उतार रहे हैं और भारतीय टीम में खेलना है उनको आगे जाके इसलिए उनको मैदान पे नहीं उतारा जा रहा है। अब ये गले आपके नीचे उतर रहा है कि अगर वो फिट होते और मुंबई इंडियंस उनको बाहर बिठाएगी क्योंकि हिंदुस्तान के लिए खेलना है? राजीव, ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि इस तरह का बयान क्यों दिया है शेन बॉर्ड ने, क्योंकि यहाँ पर अगर वो फिट नहीं है तो पारदर्शिता की आवश्यकता है कि मुंबई इंडियंस को बोलना चाहिए किस कारण से वो फिट नहीं है, क्योंकि उनका चयन हो चुका है भारतीय टीम में और जब चयन हुआ था तो यही हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो मैच फिट होंगे और अगर वो मैच फिट है तो फिर यहाँ पर वो मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं। और अगर वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हो रही है तो क्या ये जो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं शेन बॉर्न, क्या उनको ये डायरेक्शन बीसीसीआई की तरफ से आया है? और अगर आया है तो सिर्फ हार्दिक पांड्या के लिए क्यों है? अन्य कितने सारे बॉलर्स हैं जो काफी दिनों से खेलते आ रहे हैं, बुमराह, मोहम्मद शमी, दोनों ने इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला खेली है। तो अगर वर्कलोड की हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की तो वहां पर इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में होना चाहिए था। हार्दिक पांड्या ने तो ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं है जी। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या हुआ है। मैं मानता हूँ एक बात से कि मुंबई इंडियंस एक ऐसा फ्रेंचाइजी है जो बहुत ही शानदार तरीके से अपने प्लेयर्स का ख्याल रखता है, पर उसके साथ साथ ये भी आवश्यकता है कि जरा खुलकर और ट्रांसपेरेंसी के साथ बयान दिया जाए। रितेंद्र, दो मैच हार चुकी है मुंबई इंडियंस और वर्कलोड मैनेज करने की बात कर रहे हैं, यानी कि दो मैच और हारे और वर्कलोड ऐसे ही मैनेज होता रहा तो फिर हार्दिक पांड्या ना तो किसी काम के रहेंगे मुंबई इंडियंस के लिए और फैंस जो देखना चाहते हैं कि वो फिट हैं या नहीं वो भी शायद हम ना देख पाए। ये अजीब सी पहेली क्यों मुंबई इंडियंस खड़ा कर रहा है, पहले हार्दिक पांड्या को लेके, उनकी फिटनेस को लेके, अब जिस तरह से वर्कलोड मैनेज करने की बात कर रहे हैं। कहाँ क्रिकेट खेली उन्होंने, मुझे तो ये समझना है जरा आपसे। जी हाँ जी बिल्कुल, बहुत ये अजीब बात है। और वर्क लोड, ये जो लफ्ज है ना वर्क लोड, तो यहाँ पे वर्क तो है नहीं तो लोड कहाँ से आ गया ये समझ नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है शेन बॉन्ड को कहीं ना कहीं यहाँ पुष्टि करनी होगी कि एग्जैक्टली बात क्या है। मैं मानता हूं अगर आप बहुत क्रिकेट खेले हैं, बहुत बॉलिंग की है, 20-20 ओवर डाल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, वर्कलोड होता है, बुमराह ने वर्कलोड लिया है, शमी ने वर्कलोड लिया है, लेकिन वो आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या क्यों नहीं खेल रहे हैं? T20 वर्ल्ड कप अब सर पे है, अभी भी अगर ये सवाल है और हार्दिक पांड्या के साथ हमेशा ये सवाल रहते हैं कि वो कब खेलेंगे, चोटिल है नहीं है, फिट है नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हार्दिक पांड्या ये कर क्या रहे हैं। तो जी हाँ, जल्द से जल्द इसका जवाब चाहिए विराट कोहली को, रवि शास्त्री को, क्योंकि इन्होंने टीम तैयार करनी है और अगर अब भी हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं तो मुंबई के लिए तो टेंशन की बात है लेकिन भारतीय टीम के लिए और बड़ी टेंशन है। सवा भाई, अगर हम बात श्रीलंका दौरे की करें, श्रीलंका दौरे पे हार्दिक पांड्या खेले और तीन मैचों में सिर्फ 19 रन थे, गेंदबाजी उन्होंने की नहीं वहाँ पर ज़्यादा, ऐसे में वर्कलोड की जो बात की जा रही है, दरअसल इनको तो मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत है जो मुझे लग रहा है कि जितने मैचेस खेलेंगे उतना वो रवा होते जाएंगे इंजरी के बाद,
ये वर्कलोड मैनेज करना अलग चीज है और मैच प्रैक्टिस देना अलग चीज है। अब हिंदुस्तान की मदद अगर शेन बॉन्ड करना चाहते हैं तो उनको मैच खिलाएं या वर्कलोड मैनेज करके वो हिंदुस्तान की मदद करेंगे? यहाँ तो सीधा सीधा लग रहा है कि जितने मैच हार्दिक खेलेंगे उसका फायदा इंडियन टीम को आगे मिलेगा वर्ल्ड कप में। आपने सही कहा राजीव, आपको याद होगा जो भारत और श्रीलंका की भारत और श्रीलंका के बीच जो श्रृंखला हुई थी वहां पर हम लोग अक्सर यही बात किया करते कर रहे थे कि अभी चोटिल होकर वो वापस आए हैं, उनको मैच खेलना बहुत जरूरी है, और यहाँ पर जब हार्दिक पांड्या को अवसर मिल रहा है मैच खेलने का तो वो क्यों नहीं खेल रहे हैं। और मुझे तो पूरा विश्वास ये भी है कि चयनकर्ताओं ने इसी बिना पर ही हार्दिक पांड्या को टीम में रखा होगा कि वो धीरे धीरे टॉप फिटनेस में आ जाएंगे, वो मैच फिट हो जाएंगे और आईपीएल खेलेंगे और उसके बाद विश्व कप खेलेंगे। पर यहाँ पर क्या हुआ है अचानक, क्या उनको और कोई अलग प्रकार की चोट लगी है जिसके वजह से उनको नहीं खिलाया जा रहा है? तो यहाँ पर कारण क्या है इसके बारे में किसी ने बताया नहीं है मुंबई इंडियंस की तरफ से। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इस तरह का बयान दें जो सभी को समझ में आए, क्योंकि हम लोग सब लोग जो बैठे हुए हैं वो नहीं केवल हार्दिक पांड्या पर भारतीय टीम के हित के बारे में भी सोच रहे हैं, तभी इस तरह की डिस्कशन हो रहा है इस समय। बिल्कुल, और हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें रितेंद्र, दो मैचेस वो खेले नहीं है। अब जिस तरह से मुंबई इंडियंस की तरफ से ये बयान आया कि वर्कलोड उनका संभाल के हम इस्तेमाल करना चाहते हैं हार्दिक को, लेकिन एक बात तो साफ है कि या तो हार्दिक पांड्या अपनी चोट के बारे में कोई बहुत बड़ी इंजरी है जिसको छुपा रहे हैं, या मुंबई इंडियंस उस चोट को छुपाना चाहता है। क्या किसकी गलती आप ज़्यादा देख रहे हैं यहाँ पर, क्यों चीज़ें इस तरह से खिचड़ी सी पका रखी है मुंबई इंडियंस के खेमे ने? राजीव, ये जो आपने इस्तेमाल किया ना लफ्जों का, खिचड़ी पका रखी है, तो वाकई ये खिचड़ी पक रही है। तो यहां से कहीं ना कहीं एम्बिग्यूटी को क्लियर होना होगा। सबको पता होना चाहिए कि जो स्टेटस है हार्दिक पांड्या का क्या है, और जब सिलेक्शन भी हार्दिक पांड्या की वर्ल्ड कप के लिए हुई थी, मैं तो पहले ही कह रहा था कि आप सब कह रहे हैं कि इनका चयन होना चाहिए, ये तो सुपरस्टार है टीम में, लेकिन अगर हम पिछली परफॉर्मेंस की बात करते हैं, आप पिछला साल देखिए, श्रीलंका टूर देखिए, हार्दिक पांड्या हैज नॉट सेट द स्टेज ऑन फायर, लेकिन उनको सिलेक्ट किया गया क्योंकि उन्होंने पहले बहुत अच्छा किया है। विराट कोहली को उन्हें भरोसा है, जो अच्छी बात है, लेकिन अब दोबारा भरोसा जीतने के लिए उनको आईपीएल खेलना होगा, मुंबई इंडियंस को जिताना होगा। लेकिन अगर ऐसे बाहर बैठेंगे और वर्कलोड, ये तो वर्ड बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अगर कोई ऐसा कह दे थोड़ा निगल है फिर भी हम समझ सकते हैं, आप दो दिन में फिट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कैसा वर्क, ऐसा कैसा लोड, आई थिंक दिस हैज टू बी आंसर्ड वेरी क्विकली। लेकिन सभा, ये भी तो हो सकता है कि उनको बाहर बिठाया गया हो, क्योंकि 7 मैचों में 52 रन है खेल, सिर्फ जब पहले फेज की हम बात करें, खराब दौर से गुजर रहे हैं, खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। ये भी मुमकिन आपको लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट ने उनको ड्रॉप किया हो क्योंकि उनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है? नहीं, अगर ऐसी भी बात है तब भी उसके बारे में बोलने में क्या बुराई है? हर एक खिलाड़ी के करियर में इस प्रकार की बात होती है, जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फ्रेंचाइजी या फिर टीमें आपको ड्रॉप कर सकती हैं। तो इसके बारे में भी अगर प्रेस पूछ रहा है तब भी आप बता सकते हैं कि भाई कोई चोट, कोई इंजरी नहीं है, ये फॉर्म के बिना पर, फॉर्म की वजह से उनको ड्रॉप किया गया, इसमें कोई खराबी नहीं है। हम लोग यहाँ पर डिस्कशन इस वजह से कर रहे हैं कि वो पारदर्शिता जो होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही है, और इसी वजह से बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी को चिंता है कि हार्दिक पांडे को क्या हो गया अचानक कि उनको मुंबई इंडियंस के लिए मैच खेलने को मिल नहीं रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि उनके ना होने से मुंबई इंडियंस का जो संतुलन है वो कुछ हद तक बिगड़ गया है। तो अगर मुंबई मैनेजमेंट को, इंडियंस मैनेजमेंट को ये लग रहा है कि उनका फॉर्म अच्छा नहीं, इसी वजह से उनको ड्रॉप किया जा रहा है, तब भी सही है, यहाँ पर छुपाने की किसी भी चीज की आवश्यकता है नहीं राजीव। बिल्कुल, लेकिन छुपाया तो जा रहा है कुछ ना कुछ, और इसी वजह से मुंबई इंडियंस लगातार स्ट्रगल कर रही है। रितेंद्र, दो मैच हार चुके हैं, आपको लग रहा है बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं है खिलाड़ियों के बारे में? पहले रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं, फिर हार्दिक पांड्या दो मैचेस में नहीं खेल रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना नहीं पा रहे दुबई में, और ये वही टीम है जो दुबई में चैंपियन बन के लौटी थी। अब यहाँ पे क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं कि आपके पास मैच विनर ज़्यादा है नहीं और जो है वो अच्छे फॉर्म में नहीं है, बड़ा खतरा मुंबई इंडियंस के लिए मंडरा रहा है दो लगातार हार के बाद? जी हाँ राजीव, बिल्कुल, क्योंकि मुंबई जानती है कि अब ये कोई स्टार्ट नहीं है टूर्नामेंट का, आप आधे से आपने शुरू किया है और टॉप फोर में जो पहुंचने की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं मुकम्मल होने वाली है। अगर आप पहले दो मैच हार जाते हैं दुबई जाते ही तो मुश्किल तो होगी, और आपने सही कहा अब रोहित शर्मा नहीं खेले, और अगर हम बात करें सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन ज्यादा बड़ी फॉर्म में दिख नहीं रहे हैं, उनको अपनी शॉर्ट सिलेक्शन पे काम करना होगा, बॉलिंग भी ठीक ठाक लग रही है, हार्दिक पांड्या नहीं है टीम में, क्यों नहीं है
हैं। अगर आप बात कर रहे हैं कि वो फॉर्म में नहीं है, उनको इसलिए 11 में नहीं खिलाया जा रहा, तो ये भारतीय टीम के लिए एक और बड़ा चिंता का विषय है कि अब तो विराट कोहली रोज रात को बैठ के लाइनअप तैयार करते होंगे, कौन सी 11 खिलानी है, कितने सीमर खिलाने हैं, और हार्दिक पांड्या का तो कुछ पता ही नहीं है। तो जी हाँ, मुंबई अब डेफिनेटली एक स्ट्रेसफुल पीरियड से निकल रही है, क्योंकि और हारी तो बाहर हो सकती है। बिल्कुल, पहले गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, फिर बल्लेबाजी का फॉर्म गया और अब टीम से भी बाहर हैं। अब चलते चलते सभा, आपसे ये जरूर जानना चाहूँगा, क्या बड़े खिलाड़ियों की लिस्ट में हार्दिक पांड्या का नाम आ चुका है, इसलिए उनके बारे में ये नहीं कह पा रहे हैं कि उनको ड्रॉप किया जा रहा है टीम से या उनको रेस्ट दिया जा रहा है? क्योंकि हमेशा कहते हैं बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट देते हैं और जो जूनियर खिलाड़ी उनको ड्रॉप किया जाता है, अब वो किस कैटेगरी में आ गए, क्यों ये चीज़ें छुपाई जा रही है, आपसे समझना चाहेंगे ज़रा। कोई आवश्यकता है नहीं, चाहे वो बड़ा खिलाड़ी हो या छोटा खिलाड़ी हो, अगर आप किसी को ड्रॉप कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात तो यही होती है कि आप प्लेयर को इन्फॉर्म करें और जो क्रिकेट फैंस हैं, जो 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 मीडिया है, उनको आप बताएं, और इसमें कोई खराबी नहीं है। और ये जो इस तरह की बात अगर सामने आ रही है, इसको दूर करना बहुत जरूरी है जी। और ये तो बड़ा ही अजीब किस्म की परंपरा चली आ रही है विशेष करके भारतीय क्रिकेट में, कि हम ये नहीं एडमिट करते हैं कि कोई खिलाड़ी ड्रॉप हुआ हो, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमेशा कुछ ना कुछ हम एक्सक्यूज ढूंढने लगते हैं कि वो चोटिल है, वो निगल हो गया है कोई और कारण से। जब कारण सबको पता है अगर, तो फिर उसको बताने में क्या क्या खराबी है। बिल्कुल सभा, बहुत सही बात आपने बोली और रितेंद्र ने भी बहुत सही पॉइंट्स उठाए कि अगर उनका खराब फॉर्म है और उनको ड्रॉप किया गया तो और बड़ी चिंता का सबब है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि अब से कुछ ही दिन के बाद आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना और हार्दिक पांड्या को एक मेन खिलाड़ी माना जाता है T20 फॉर्मेट का, और ऐसे में पहले फ्रेंचाइजी के लिए ना खेलना और उसके बाद उनकी फिटनेस को लेकर, उनके फॉर्म को लेकर जिस तरह सवाल उठ रहे हैं, एक डर होना टीम मैनेजमेंट को बहुत लाजमी सी बात है।